दोस्तों, जैसे कि आप जानते हो कि इस टाइम पे इंडिया में टिकटॉक पूरी तरीके से बैन हो गया है। यानी कि अगर आप टिकटॉक को ओपन करते हो, अगर आपके मोबाइल में एप्लीकेशन हो बाई चांस, वैसे तो मेरे हिसाब से नहीं होगी, अगर है तो उसे ओपन करोगे तो कुछ ऐसा लिख के आ रहा है जो कि प्रॉपर तरीके से इसे बैन कर दिया गया है दोस्तों। मगर मेरा दिमाग तब खराब हुआ जब मैं 2 या 3 दिन से देख रहा हूँ यूट्यूब पे हजारों की संख्या में वीडियो आ रही है कि बैन टिकटॉक को दोबारा से अपने मोबाइल में डाउनलोड कीजिए। अरे क्यों करें डाउनलोड यार, जब कोई चीज हमारे देश में बैन कर दी गई है वो क्या देश से बढ़के है? देश से बढ़के का टिकटॉक है? आप मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, देश से बढ़के टिकटॉक है या फिर टिकटॉक से बढ़के हमारा देश है? मेरे लिए तो मेरा देश सबसे पहले है, उसके बाद कुछ और चीज। बहुत सारे लोग बता रहे वीपीएन का यूज़ कीजिए, ये एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, वो एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए, अपने फ़ोन में टिकटॉक चलाइए। अरे क्यों चलाएं जब वो बैन हो चुकी है? आप अगर उसको अपने मोबाइल में डाउनलोड भी कर लोगे, उसमें वीडियो भी बना लोगे, तो देखने वाला कौन है? मुझे बताओ, देखने वाला है कौन आपकी वीडियो को? ये तो वही बात हो गई है कि जो चीज़ बैन हो चुकी है उसको आप दोबारा कर रहे हो मोबाइल में, यानी कि आप बैल मुझे मार वाली बात हो गई। एक बैल है, उसके सामने आप लाल कपड़ा पहन के जा रहे हो और कह रहे हो मुझे मार मुझे मार, क्या वो बैल आपको पप्पी देगा? आपको मारेगा ही। एक पागल कुत्ता है, आपको पता है वो पागल कुत्ता काटेगा, उसके बाद भी आप उसके सामने जा रहे हो तो वो आपको प्यार थोड़ी ना करेगा, काटेगा ही। यार मेरे तो समझ में नहीं आता कि आप ऐसी वीडियो क्यों बना रहे हो जिसमें बता रहे हो कि टिकटॉक को दोबारा डाउनलोड करें, क्या फ़ायदा? यार हमारी गवर्नमेंट बहुत पढ़ी लिखी है, बहुत समझदार है, आपके और मेरे मुकाबले बहुत समझदार है, देश चला रही है। देश चलाना बच्चों का काम नहीं होता है। आप क्यों नहीं चला रहे देश? मैं क्यों नहीं चला रहा देश? यार जो ऊपर बैठे हुए हैं वो भी तो देश चला रहे हैं, यानी कि उनके अंदर ज़्यादा दिमाग है, उन्होंने कुछ सोच समझ के ही इस टिकटॉक को बैन किया होगा। ऐसी नहीं बैन कर दिया यार, प्राइवेसी भी बहुत बड़ी चीज़ होती है, हमारे देश की प्राइवेसी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। यार ये तो वही बात हुई है, आप टिकटॉक कर लोगे यार, किसी इंसान के आप 10 रुपये का नुकसान करोगे तो वो इंसान आपके 20 रुपये का नुकसान करने की सोचेगा। यहाँ हमारे देश में टिकटॉक बैन हुआ है तो टिकटॉक जिस देश का, उस देश का मैं नाम नहीं लेना चाहता, क्योंकि जो मेरे देश का नहीं मैं उसका नाम भी लेके अपनी जवान गंदी नहीं करना चाहता। अब हमारे देश ने उसके ऐप को, एप्लीकेशन को बैन किया, उसको करोड़ों लाखों रुपये का नुकसान हुआ है, तो क्या वो बदला नहीं लेगा? और बदला किससे लेगा? जो यूज़र है, जो चला रहे हैं टिकटॉक को बिना मतलब के डाउनलोड कर रहे हैं, उनकी प्राइवेसी को लीक करेगा? तो दोस्तों मैं तो बोलूँगा प्लीज़ टिकटॉक को डाउनलोड मत करना किसी भी अदर साइट से। अब आप में से बहुत सारे लोग बोलेंगे यार टिकटॉक बैन हो गया, उसमें तो हमारी जो वीडियो, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, हम उनका यूज़ कैसे करें? यार उसके लिए सही तरीका होना चाहिए ना, जरूरी थोड़ी ना टिकटॉक को आप डाउनलोड करो उसके बाद ही अपनी वीडियो को यहाँ से ले सकते हो। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, सिंपली आपको करना कुछ नहीं है, गूगल क्रोम खोलना है। गूगल क्रोम खोलोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ, बगल में आपको दिखने वाला होगा एक इंटरफेस, आपको दिखने वाली होगी कि किस प्रकार आप क्या कहते हैं टिकटॉक की वीडियो उसको डाउनलोड कर सकते हो। आप देखोगे दोस्तों, आपको जाना है गूगल पे, वहाँ पे लिखना है URL और फिर लिखना है BIRD, URLEBIRD लिखने के बाद उसको गूगल में सर्च करोगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आएगा जैसे आपको दिख रहा होगा। फर्स्ट वाले पे आपको क्लिक करना है, जो भी आपके फर्स्ट में आएगा। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सर्च एड यूज़र और हैशटैग, आप यहाँ पे अपनी टिकटॉक आईडी तो याद होगी आपको, यहाँ पे लिख दीजिए जैसे मैं आपके सामने लिख के दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हो मैंने टिकटॉक आईडी लिख ली, उसके बाद मैं इसको सर्च कर देता हूँ, आपके सामने सर्च कर दिया मैंने, उसके बाद मेरी यहाँ पे टिकटॉक आईडी आ जाएगी जो पहले थी, जो बंद हो गया बैन, आ गई है। यहाँ पे आपको अपनी सारी वीडियो दिख जाएगी। उसके बाद आपको करना क्या है, सिंपली किसी भी एक वीडियो पे क्लिक करोगे आप, जैसे कि नॉर्मली मैं इस वीडियो पे क्लिक करता हूँ, मैंने इस वीडियो पे क्लिक करा। अब उसके बाद थोड़ा सा नीचे जाओगे आप तो यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ से इसको डाउनलोड कर लीजिए। और डाउनलोड करने के बाद जब ये डाउनलोड हो जाए तो उसके आपको इसको नॉर्मली आप क्या कहते हैं
इसका वाटरमार्क वगैरह हटा के उसे अनदर सोशल नेटवर्क साइट पे अपलोड कर सकते हो उस वीडियो को, जैसे रोपोसो एप्लीकेशन है, चिंगारी ऐप है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा कैसे यूज़ करें, वो इंडियन एप्लीकेशन है उनको यूज़ करूँ ना कि टिकटॉक को। वहाँ पर इन वीडियो को, अपनी जितनी भी वीडियो थी जो आपने टिकटॉक पर डाली हुई थी उन सबको वहाँ पर अपलोड कीजिए, फेमस होने का मौका पाइए। तो दोस्तों सीधे शब्दों में मैं कह देता हूँ, अगर आप रोपोसो एप्लीकेशन में, चिंगारी एप्लीकेशन में नॉर्मली फेमस होना चाहते हो तो ये टिकटॉक पर जो आपने वीडियो पहले डाली हुई थी उन सबको डाउनलोड करने के बाद आप चिंगारी ऐप में, रोपोसो ऐप में अपलोड करते रहिए, क्योंकि कोई एप्लीकेशन नहीं होती है तो उसमें फेमस होना बहुत आसान होता है। और फेमस होने के लिए आपके पास कंटेंट चाहिए, और आप सारा कंटेंट क्या है उस एप्लीकेशन में डाल चुके थे, तो कुछ वीडियो जो आपको लगता बहुत ही अच्छी है वो वहाँ से डाउनलोड करने के बाद आप नॉर्मली यहाँ पे अपलोड कर दीजिए। रोपोसो एप्लीकेशन में और चिंगारी एप्लीकेशन में 100% व्यू आने के चांस रहेंगे, मगर टिकटॉक को डाउनलोड मत कीजिए, वो आपके लिए भी फायदा है, हमारे देश के लिए भी फायदा है, हमारे परिवार के लिए भी फायदा है। टिकटॉक बैन हो चुका है, ये दिमाग में डाल दीजिए। वो बैन इसलिए हुआ है क्योंकि वो हमारी प्राइवेसी को लीक कर सकता है, हमारे देश को हानि पहुंचा सकता है, देश से बढ़ के कुछ भी नहीं है। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए ज़्यादातर लोगों तक तो शेयर कीजिए, ताकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सभी लोगों को पता चल सके, और जो लोग ये डाउनलोड कर रहे हैं ना वो करना बंद कर दीजिए, प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के विनती है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करना जरूर करना इस चैनल को, आपके लिए यहाँ पे मैं रोज़ अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड करता रहता हूँ। तो नमस्कार दोस्तों, कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ, आपका दिन शुभ।